अस्सलामुअलैकुम। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस में लास्ट टाइम हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो था जी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आज जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है ये ब्रॉन्सेड लॉरी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की पूरी ये असल में दोनों के दोनों साइंसदानों के नाम है। ब्रॉन्सेड एक साइंसदान का नाम है, लॉरी दूसरे साइंसदान का नाम है। इस दोनों साइंसदानों ने कॉन्सेप्ट की पूरे कॉन्सेप्ट की बेस प्रोटोन पर थी। किस चीज़ पर थी? प्रोटोन पर। और याद रखिएगा, प्रोटॉन को हम एच पॉजिटिव आयन कहते हैं। प्रोटॉन को क्या कहते हैं? एच पॉजिटिव आयन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एच पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, वाई एच पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? कहना बाद दफ़ा कुछ लोगों का ये जवाब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो प्रोटॉन होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए वो प्रोटॉन होता है। मसलन Na+ प्लस ये भी प्रोटॉन है। ये हरगिज गलत है, ये वाली चीज़ हरगिज गलत है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए उसको हरगिज प्रोटॉन नहीं कहते, सिर्फ और सिर्फ एच पॉजिटिव आयन को ही प्रोटॉन कहेंगे। अब इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं? अगर इसका एटम देखोगे ना तो इसके एटम में ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम बना रहा हूँ, पहले हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसके इर्द गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन एटम है। अब याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन करे लूज करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? एच पॉजिटिव आयन। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाकी पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बच जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा? प्रोटॉन बच जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। इसलिए हम एच पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन का नाम देते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है, यह सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है, इसे हम इसको प्रोटॉन का नाम दे रहे होते हैं। अब ब्रॉन्सेड लॉरी कॉन्सेप्ट के पूरे कॉन्सेप्ट की बेस प्रोटॉन के ऊपर थी कि कोई चीज़ अगर प्रोटॉन लेगी वो क्या कहलाएगी, कोई चीज़ अगर प्रोटॉन देती है तो वो क्या कहलाती है। ज़रा गौर कीजिएगा, अगर हमारे पास प्रोटॉन है और प्रोटॉन कोई चीज़ दे, एच पॉजिटिव आयन कोई भी चीज़ दे, तो उसको हम कहते हैं एसिड। डोनेट करें, जो भी चीज़ हो वो प्रोटॉन डोनेट करे, उर्दू के अंदर कहेंगे दे, उसको हम कहेंगे एसिड। वो क्या हमारे पास चीज़ होगी? एसिड। और ऐसी चीज़ जो एच पॉजिटिव आयन ले, क्या करे? एच पॉजिटिव आयन ले यानी कि एक्सेप्ट करे, क्या करे? एक्सेप्ट करे, वो चीज़ कहलाती है हमारे पास बेस। वो चीज़ क्या कहलाती है? बेस। यानी कि दो डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दी हैं। एसिड इज ए सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटोन या गिव, डोनेट की जगह पर गिव भी लिख सकते हैं। दो सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटोन इज कॉल्ड एसिड, दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटोन इज कॉल्ड बेस। यह था जी दोनों की डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, मसलन कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। चलिए इसकी पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, इसमें पहचान करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। ज़रा गौर कीजिए, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे कि मैंने रिएक्शन करवाया NH3 का वाटर के साथ, NH3 का वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, और ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। क्या होता है? ये आगे की तरफ भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी आ सकता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जैसे रिएक्शन होता है हमारे पास ये वाली चीज़ें बनती हैं, NH4 पॉजिटिव बनेगा, साथ में OH नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ी कंसंट्रेशन दीजिएगा। अच्छा, ये वाली चीज़ यहाँ तक गई है और आपने सिर्फ उसे गौर चीज़ किस चीज़ पर करना है कि जब यहाँ देखो NH3 कितने एच के साथ, तीन, यहाँ पर जाते जाते कितने हो गए? चार। अच्छा, पहले तीन थे, चार हो गए। किस तरह चार हो सकते हैं? दिया है या लिया है? एच पॉजिटिव आयन, यानी कि यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन लिया है, एक्सेप्ट किया है। एच पॉजिटिव आयन क्या किया है? यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। अगर कोई भी चीज़ एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगी, जो भी चीज़ एक्सेप्ट करेगी वो क्या कहलाएगी? बेस। यानी कि यहाँ पे NH3 किस तौर पे काम कर रही है? बेस के तौर पे काम कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सही है कि आपने इक्वेशन को देख के बता देना होता है कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। अब यहाँ पे गौर करो इस चीज़ पे, ये चीज़ यहाँ से यहाँ पे जा रही है, यहाँ से यहाँ पे गई है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? दो। यहाँ तक जाते जाते ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? एक। मतलब एक हाइड्रोजन से निकाल दिया, यहाँ से यहाँ तक जाते जाते, मतलब यहाँ क्या किया? डोनेट वन, डोनेट
एच पॉजिटिव आयन, यानी यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट किया, और जो चीज प्रोटॉन डोनेट करे दे वो चीज क्या कहलाती है, एसिड। यानी कि ये जो वाटर है यहाँ पे किस तौर पे काम कर रहा है, एसिड के तौर पे, वाटर किस तौर पे काम कर रहा है, एसिड के तौर पे। ये सिंपल सी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, मैंने ना HCl का रिएक्शन करवा रहा हूँ, अब HCl का रिएक्शन करवा रहा हूँ किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ। HCl का रिएक्शन करवा रहा हूँ वाटर के साथ, जैसे ही रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास ये वाली चीज़ें बनती हैं। जैसे मैं रिएक्शन करवाऊँगा मेरे पास ये वाली चीज़ें बनती हैं, कौन कौन सी, पहले नंबर पर तो बनेगा H3O+ बनेगा, साथ में Cl- बनेगा। अब मैंने देखना इनमें से एसिड कौन सी चीज़ है और बेस कौन सी चीज़ है, इन दोनों में से एसिड कौन सी चीज़ है और बेस कौन सी चीज़ है। सबसे पहले चीज़ चेक कीजिएगा, मैं पहले क्लोरीन क्लोरीन को मिलाता हूँ इसको, ये देखो ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, मैं इन दोनों को मिलाता हूँ। यहाँ पे गौर करना है सबसे पहले, अगर ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ पे गई है, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन था, यहाँ पे जाते जाते हाइड्रोजन क्या हुआ, निकल गया, खत्म हो गया, डोनेट कर दिया, किसी चीज़ को दे दिया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डोनेट एच पॉजिटिव आयन हुआ है, डोनेट प्रोटॉन, और जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करे वो हमारे पास एसिड कहलाती है। मतलब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, एसिड। अब यहाँ पे गौर करो, ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ पे गई है तो गौर करो क्या काम हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, दो, यहाँ पे जाते जाते कितने हो गए, तीन। मतलब एक हाइड्रोजन वाटर ने यहाँ से लिया है, एक हाइड्रोजन वाटर ने यहाँ से लिया है, जो चीज़ हाइड्रोजन एच पॉजिटिव आयन ले ले वो क्या कहलाती है, बेस। ये वाली चीज़ हमारे पास बेस है, और यहाँ पे क्या जी एच पॉजिटिव आयन लिया है, एक्सेप्ट। अच्छा अब तो बातें मैंने तकरीबन समझ आ गई, क्योंकि आप देख के क्वेश्चन बता सकते हैं कि एसिड कौन सी चीज़ होगी और बेस कौन सी चीज़ होगी। आप इस साइड पे चीज़ नोट करनी है और इस साइड पे चीज़ नोट करनी है, अगर तो प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है मतलब उसने प्रोटॉन लिया है, वो चीज़ इस हमारे पास बेस होगी। अगर वो चीज़ प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पे जाते हुए प्रोटॉन एक कम हो रहा है तो वो चीज़ बेस होगी, वो चीज़ क्या होगी, बेस होगी। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब ना एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट आता है। आप देखिएगा क्या यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्जांपल इसी एग्जांपल को मैं दोबारा यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा। HCl को मिलाया मैंने वाटर के साथ H2O के साथ और हमारे पास कुछ ये वाला रिएक्शन हुआ, इसके नतीजे में हमारे पास H3O+ बन गया, साथ में Cl- बन गया। यहाँ पर गौर करो ये वाली चीज़ क्या है, एसिड। ये वाली चीज़ क्या है, बेस। अच्छा यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना गौर करने वाली, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या, ये वाली चीज़ें मिलेंगी ये वाली चीज़ बनाएंगी और ये वाली चीज़ दोबारा मिलकर ये वाली चीज़ बनाएंगी। अच्छा अब मैं रिवर्स काम करने लगा हूँ, मतलब जब ये वाली चीज़ें मिलकर ये वाली चीज़ें बना रही होती हैं, अब अगर ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ पे जा रही है, चेक करना, ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ पे गई है, यहाँ पे इसके बाद कितने प्रोटॉन हैं, यहाँ पे जाते जाते कितने हो गए, दो हो गए। मतलब यहाँ से यहाँ पे जाते हुए इसने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट किया, एच पॉजिटिव आयन डोनेट, एच पॉजिटिव आयन डोनेट किया है, दिया है। अच्छा जो चीज़ एच पॉजिटिव आयन डोनेट करे एसिड, मतलब यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या है, एसिड। प्रोडक्ट में ये वाली चीज़ एसिड है। अब इसके बाद देखो इसकी बात कर लेते हैं इस चीज़ की, ये चीज़ जब यहाँ से यहाँ पे गई है क्या हुआ जी, क्लोरीन वहाँ से वहाँ पे गया, यहाँ पे देखो इस क्लोरीन के साथ कोई भी एच नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाते जाते हो क्या हुआ जी, एक एच इसने ले लिया है, और जो भी चीज़ एच पॉजिटिव आयन प्रोटॉन ले, जो क्या करे प्रोटॉन ले, एक्सेप्ट एच पॉजिटिव आयन, जो भी चीज़ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी वो क्या कहलाएगी। अब जरा गौर करेंगे ना तो दोनों साइडों पे एसिड बेस, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं माना गया, इस साइड मैंने एक एसिड लिख दिया, एक साइड पे भी एसिड लिख दिया, इस साइड पे बेस लिखा, इस साइड पे बेस लिख दिया। अब ये काम करते हैं कि कहता है जी जो आपके रिएक्टेंट होंगे उसको आप एसिड बेस कहोगे, लेकिन जो प्रोडक्ट वाली साइड पे एसिड बेस बन रहे हैं ना उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं, कॉन्जुगेट बेस का नाम दे देते हैं। अब देखिएगा जरा गौर करना, अब मुझे सिर्फ उसे सोच के बताना है ये कॉन्जुगेट एसिड बनता किस तरह है। देखो कॉन्जुगेट एसिड की बात करेंगे पहले,
कॉन्जुगेट है एसिड किस तरह बनता है, जरा गौर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये किस चीज़ से बना। पहले ये बताओ ये बना किस चीज़ से है, वाटर से बना है? वाटर ने क्या काम किया है कि ये बना है? अच्छा पॉजिटिव आयन एक लिया है जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बना है। सही है, बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। क्या होता है जी कॉन्जुगेट एसिड? इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड, ये बन रहा होता है बाय एक्सेप्टिंग, लेने से, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, आ प्रोटॉन बाया बेस, बाया बेस। देखो ये हमारे पास बेस ही, इसने एक एच पॉजिटिव आयन लिया जिसकी वजह से ये बना, जिसकी वजह से ये वाली चीज बन रही है, इसे हम इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है हमारे पास? कॉन्जुगेट एसिड मतलब कॉन्जुगेट एसिड ऐसी शय होगी जो किसी भी बेस के प्रोटॉन लेने से बनेगी, किसी भी शय के प्रोटॉन लेने से बनेगी, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड का नाम देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको लाजमन याद रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही, चलो जी अब बात करते हैं सेकंड नंबर है कॉन्जुगेट एसिड की, कॉन्जुगेट बेस की, कॉन्जुगेट बेस। अब देखिएगा ये मेरे पास कॉन्जुगेट बेस है, आपने देखना है कि बनता किस तरह है, ये वाली चीज बनी किस तरह है, बनी किस चीज से है? एसिड से। एसिड ने क्या किया, एक प्रोटॉन निकाला, निकालने के बाद ये वाली चीज बन गई। चेक करो, एसिड जब एक प्रोटॉन निकालता है, डोनेट करता है, उससे हमारे पास ये वाली चीज बन रही थी, और इस चीज को हम नाम क्या देते हैं? कॉन्जुगेट बेस। ये किस तरह बनता है? बाय डोनेटिंग, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड, बाय एसिड मतलब एसिड जब भी प्रोटॉन देगा, एच पॉजिटिव आयन देगा, तो हमारे पास साथ में कॉन्जुगेट बेस बनता है, कॉन्जुगेट बनता है, साथ में प्रोटॉन बन जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है किस तरह, जब भी कोई भी बेस हमारे पास, कोई भी बेस हमारे पास एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो कौन सी चीज़ बनेगी? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ये सिंपल बात है कि कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, बेस जब एक प्रोटॉन लेगा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, और एसिड जब एक प्रोटॉन लूज करेगा तो उसके नतीजे हमारे पास कॉन्जुगेट, मतलब मैं सिंपल आप बात लेके जा रहा हूँ, बेस से एसिड बनता है, वो छोड़ो कौन सा, बेस से एसिड बनता है किस तरह? एक प्रोटॉन लेने से। और बेस याद रखिएगा, यहाँ मैंने बात की है, बेस क्या करता है? हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, यानी कि बेस कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, बेस हमेशा प्रोटॉन लेता है, इसे हम कहेंगे बेस प्रोटॉन लेगा तो कॉन्जुगेट एसिड। और यहाँ पर देखो, एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनता है, और एसिड हमेशा क्या काम करता है? डोनेट, यानी हमेशा एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा और इससे हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्जुगेट बेस किस तरह बन रहा होता है। तो ये दो बातें समझ आ गई हैं, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की, समझ आए। चलो जी अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली जो चीज़ आती है जी, ब्रॉन्स लोरी कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन की, वो था जी हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीशी क्या होती है, कौन सी चीज़ है? एम्फोटेरिक, एम्फो टैरिक स्पीशीज। अच्छा एम्फोटेरिक वर्ड पे गौर कीजिएगा, वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ें आपकी वर्डिंग के अंदर छुपी होती हैं। एम्फोटेरिक वर्ड एम्फीबियन से निकला है, कहाँ से निकला है? एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो दो वक्त के, दो जगह पे एक ही टाइम पर रह सकते हैं, मतलब किसी जगह पे खुश्की पे भी और पानी पे भी। उन जानदार को बेशक पानी में डाल दो वो वहाँ पे भी जिंदा रहते हैं, खुश्की में रख दो वहाँ पे भी जिंदा रहते हैं। मसलन ये जो फ्रॉग होते हैं इनमें ये खासियत होती है, इनको एम्फीबियन कहते हैं। सही है, कछुए के अंदर ये खासियत होती है। सही है, अब क्या कहते हैं उसको, बेशक आप पानी के अंदर डाल दो या फिर खुश्की में रख दो, दोनों जगह पर रहते हैं। लेकिन इंसान की अगर बात करूँ तो इंसान सिर्फ उसे खुश्की में रह सकता है, पानी में डालोगे इंसान की मौत हो जाएगी, सांस नहीं आएगा, मौत हो जाती है। सही, अब ये वाली चीज़ें हमारे पास दो ऐसे चीज़ें जो एक ही वक्त में दो जगह पर रह सकती हैं, उसको एम्फीबियन कहते हैं। एम्फोटेरिक स्पीशी ऐसी चीज़ें जो एसिड के तौर पे भी काम करें और बेस के तौर पे भी काम करें। सही है, दो स्पीशी, दोज
स्पेशी विच एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड के तौर पे भी काम करे, बेस के तौर पे भी काम करे, उसको हम एम्फोटेरिक स्पेशी का नाम देते हैं। मसलन वाटर, यहाँ पे एग्जांपल में आ जाओ, यहाँ पे गौर करो, इस एग्जांपल में जब NH3 के साथ वाटर का हमें रिएक्शन करवाया तो अमोनियम आयन बना, साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बना, सही है। अब यहाँ पे NH3 के केस में वाटर काम कर रहा है किसके तौर पे, नीचे वाले एग्जांपल में आ जाओ, जब HCl के साथ वाटर का रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है, साथ में क्लोराइड आयन बनता है, यहाँ पे चेक कर लो वाटर किसके तौर पे काम कर रहा है, बेस के तौर पे। ऐसी चीज़ें जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम करें हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीशी कहलाती हैं, एम्फोटेरिक स्पीशी कहलाती हैं। ये सारी की सारी बातें, ये था जी हमारे पास ब्रॉन्सेज और ये कॉन्सेप्ट, इसको लाजमी याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हाँ, लिमिटेशन इसकी कुछ ना कुछ, इसकी भी अभी लिमिटेशन थी, मसलन ये बच्चे कुछ ना कुछ इसकी ब्रॉन्सेज और ये कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन थी, वो ये है कि इसने भी कैल्शियम ऑक्साइड को एक्सप्लेन ना किया और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेप्ट ना दिया, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की उस कॉन्सेप्ट की निस्बत। मसलन लास्ट टाइम हमने कहा था जी एसिड ऐसी चीज़ों की जो पॉजिटिव आयन देगी, यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ किस तौर पर काम कर रही है, बेस के तौर पर, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखा जाए तो इसको तो काम करना चाहिए एसिड के तौर पर। अब ये एक्व सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन देता ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ खामियां रह गई थी, इसमें भी कुछ ना कुछ इसने, ये चंद एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारे पास अमूमन बेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एसिड होती है, इसको भी एक्सप्लेन कर पाया, कहता है ये ना तो प्रोटोन लेती है ना देती है, ये किस तरह आप एक्सप्लेन करोगे, सेम काम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के केस में भी है, सही है। तो इसको एक्सप्लेन करिए, हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी अभी मौजूद है जो कि हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट, उसको देखेंगे, वो ज़्यादा इनसे ज़्यादा वाइड था, इस हर एक चीज़ तकरीबन मैक्सिमम मेटल तक एक्सप्लेन कर दिया कि मेटल कौन सी एसिड होगी, कौन सी चीज़ बेस होती है, कौन सी चीज़ें आप पीरियोडिक टेबल देख के बता सकते हैं कि ये एलिमेंट एसिडिक नेचर का, ये एलिमेंट बेसिक नेचर का, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।